देखा कि एक बच्चा रो रहा है, आपने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या बात है? उसने कहा कि मैं तो यतीम हूं, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। आज मुझे तो आज अल्लाह ने कोई ऐसी चीज नहीं दी कि मैं जो है ईद बनाने का काम करूं। कि तेरे पास आज अच्छे कपड़े नहीं है, क्या तू मेरा बेटा बनना पसंद करेगा? उसने कहा मुझे इससे बड़ी बात क्या होगी, मुझ यतीम को आपकी अगर सरपरस्ती मिल जाएगी तो अब मुझसे बड़ा कौन होगा? आप उसे घर ले जाते हैं और हजरत आशा से कहते हैं तैयार करो, ये मेरा बेटा है। जब वो वहां से तैयार होकर जाता है तो पूरे एरिया के अंदर खुशी मनाता है कि मेरे आज मेरे ऊपर में यतीमी भी खत्म हो गई, मेरे जो है आज मेरे बाप जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको यह बताएं कि दीन और इस्लाम है क्या? इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ है और क्या मानता? अगर इस्लाम को कोई मानेगा तो वो गरीबों के हाथ से ही इस्लाम चलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी पहचान है और अल्लाह पसंद भी वही करता है कि आपके जो हालात हैं उन हालातों के अंदर अल्लाह की रज़ा पर चलेंगे, नमाज और रोजा रखेंगे तो अल्लाह उन करोड़ों रुपयों से आपको ज्यादा अहमियत दे। ये है दीन। हमारे नबी ने फाकत से भी जो है अपने आप अपना वक्त गुजारा। क्या हमारे नबी के लिए, हमारे नबी ने कहा कि जब गज़वा बदर हुई कि तुम लोग जो है क्यों जा रहे हो, अगर मैं जाऊं तो ये पहाड़ सोने के हो जाएंगे, ये पहाड़ सोने के हो जाएंगे। वो बात गई, 1400 साल गुजर गए। अंग्रेजों ने जब ये कुरान को देखा और कुरान को पढ़ा कि ये नबी ने ये कहा कि ये पहाड़, इस पहाड़ के अंदर कुछ होगा, वो आते हैं अरब के बादशाहों के पास और कहते हैं कि ये पहाड़ हमें किराए पर दे दो, हम इसकी खुदाई करना चाहते हैं। अरब के बादशाह के दिमाग में कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि जरूर ये पहाड़ तो पत्थर के पहाड़ है और ये इसको किराए पर क्यों लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा, वजह बताई कि भाई तुम इसको क्यों लेना चाहते हो, आप इसको क्यों लेना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमें इसको आप किराए पर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हम इसकी खुदाई करना चाहते हैं, कि चलिए आप खुदाई करेंगे कि जो कुछ होगा इसके अंदर से आधा आपको मिलेगा और आधा आपको दिया जाएगा। अरे कुरान है क्या? अगर कुरान को कोई सही से समझ ले और उस पर रिसर्च हो जाए तो आप यकीन बता रहे कि मुसलमानों की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पहाड़ों की खुदाई हुई, या अल्लाह नबी की बात, नबी ने जो कह दिया, नबी ने जो कह दिया वो हो गया। क्या था पहाड़ों में? अरे पहाड़ों के अंदर सोना था और नीचे पेट्रोल था। अरब में पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता। ये है हमारे शान। दुनिया ही उनके लिए बनाई, उनका हर अमल, उनकी हर चीज अल्लाह ने ऐसी महफूज कर दी कि आने वाले नशे आने वाले क्यामत तक वो सेफ हो जाए। एक और छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूं।